नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि मेरी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो हल्का सा लेफ्ट साइड रहता है, और ये क्यों हुआ था ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। एक्चुअल में उस टाइम पर मेरी कार का जो फ्रंट व्हील था वो एक दीवार से सट गया था पार्किंग के टाइम पर, और जब मैंने कार निकाली तो स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा घुमा दिया, तो मुझे लगा कि मेरी कार का अलाइनमेंट आउट हो गया है, इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम मेरी कार में ही हुई है। बट जब मैंने दोस्तों चेक किया अन्य गाड़ियों में, मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑल्टो में भी चेक किया, मैंने अर्टिगा में भी चेक किया और स्विफ्ट में भी चेक किया, तो मैंने नोटिस किया कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं मारुति सुजुकी की उनमें हल्का सा जो स्टीयरिंग व्हील है वो इस तरफ झुकाई मैंने पाया। तो मुझे लग रहा था कि अलाइनमेंट आउट होने की वजह से ऐसा हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि हमारी कार में भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि शायद अलाइनमेंट आउट है आपकी गाड़ी का, तो आप भी चेक कराइए। बट उन्होंने अलाइनमेंट भी कराया बट वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। तो मैं अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जो मेरी कार के फ्रंट व्हील हैं वो बिल्कुल एकदम सीधे हैं। देखिए, तो व्हील तो बिल्कुल सीधे हैं, देख लीजिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील आप फील कर रहे होंगे, ये जो पोर्शन है आपको शो हो रहा होगा बट इधर का नहीं देर हो रहा होगा, तो ये थोड़ा सा हल्का इस तरफ ही रहता है। और गाड़ी जब मैं ड्राइव करता हूँ तो कोई भी डिसबैलेंसिंग या फिर जो है अलाइनमेंट आउट होने जैसी कुछ भी जो है मुझे चीज़ नज़र नहीं आती। तो फाइनली दोस्तों, मैं इसका अलाइनमेंट करवाने वाला था, मैंने अलाइनमेंट वाले से बात भी की, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि जो है एक्चुअल में ये मारुति सुजुकी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका जो स्टीयरिंग व्हील होता है हल्का सा लेफ़्ट साइड ही होता है, तो इसमें कोई अलाइनमेंट या बैलेंसिंग का इशू नहीं है। हालांकि मैं अलाइनमेंट तो मैं करवा ही लूँगा, लेकिन जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपको भी ऐसा लगता है आपकी कार में कि हमारी कार का स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेफ़्ट साइड थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है, सेंटर में नहीं है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसा जो है कुछ भी नहीं है, ये कंपनी से ही ऐसा आता है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैंने सोचा ये छोटी सी जानकारी आपको भी बताई जाए, क्योंकि मारुति सुजुकी कार के जो यूज़र हैं इंडिया हैं वो बहुत सारे हैं, और अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से तभी ये चीज़ आपको नज़र आएगी। उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।